लक्ष्मणपुर गांव में छतन सिंह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। छतन सिंह की एक बड़ी बेटी स्वाति पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। बस स्वाति की शादी हो जाए, मेरे सर से सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं जी, स्वाति गुणी लड़की है, उसकी शादी जरूर एक अच्छे घराने में होगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं खाना स्वाति के हाथों भेज दूंगी। छतन सिंह एक किराने की दुकान में नौकरी किया करता था और हमेशा अपने मालिक के ताने और ग्राहकों से डांट सुना करता था। मुझे 1 किलो बासमती चावल दे देना, आज घर पर बिरयानी बनानी है। अरे वाह बहन जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 किलो बासमती चावल पूरे 200 रुपए के हैं, पैसे दीजिए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 200 रुपए चावल कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस की दुकान में तो 120 रुपए किलो है। वो क्या है ना बहन जी, कि ये सारी कीमत मेरे मालिक ने तय की है, अगर मैं इसे कम में बेचता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनसे कहिए अब से मैं आपके इस घटिया दुकान में नहीं आने वाली हूँ और सबको मना करने वाली हूँ कि और कोई भी इस दुकान में ना आए। वो औरत दुकान पर से गुस्से में चली जाती है। उतने में वहाँ पर छतन सिंह का मालिक आता है जो ये सारी बातें सुन लेता है और छतन सिंह को फटकार लगा कर कहता है, तुम हो ही नहीं किसी काम के, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ना कीजिए। एक ग्राहक तो तुमसे संभाला नहीं जाता, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं किस काम के हो और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। छतन सिंह वहाँ से जा ही रहा होता है कि स्वाति हाथ में टिफिन का डब्बा लिए उसे रास्ते में मिलती है और उसे निराश देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं और इस तरह भारी धूप में कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या बताऊं बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ लेकिन हमेशा कोई ना कोई तकलीफ मुझे परेशान करती ही रहती है। लेकिन हुआ क्या है, आप इतने टेंशन में लग रहे हैं, अगर आप इतने टेंशन में रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, बताइए तो। तब जाकर छतन सिंह उसे अपनी सारी समस्या बताता है। पिताजी की परेशानी देखकर स्वाति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी, इन सब में मेरी ही गलती है, मेरे सारे दोस्त बेईमानी करके आगे निकल गए और एक मैं हूँ जिसे बेईमानी करना नहीं आता तो कुछ ना कर पाया। दोनों वहाँ चिंता में खड़े थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के झुंड ने घेर लिया, जिसे देखकर दोनों अचंभित रह गए। बगड़ बोल बगड़ बोल, इन दोनों बाप बेटी को हमारे घर ले चलो। हाँ बगड़ बोल की जय, ले चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे। उन डाकुओं के पूरे झुंड ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने इलाके में ले गए। स्वाति की माँ यानी कि छतन सिंह की पत्नी पहले से ही वहाँ बंधी हुई है। भाग्यवान तुम यहाँ क्या कर रही हो, कौन है ये लोग और हमसे चाहते क्या है? मैं घर से बाहर बाजार की तरफ राशन लेने जा रही थी, सोचा था कि बिरयानी बनाऊंगी और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया, पता नहीं ये हमसे क्या चाहते हैं। हमें बंदी बनाकर क्यों रखा गया है, मैं और मेरा परिवार दर्द से कराह रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमसे चाहते क्या हो? तुम छतन सिंह हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है, और वही छतन सिंह जिसने कभी कोई चोरी का काम ही नहीं किया। जी मैं वही छतन सिंह हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम और ये सब कैसे जानते हो, तुम हो कौन? तुम मेरी बातें छोड़ो, इस पत्थर को देख रहे हो? इस पत्थर का मैं क्या करूँ? इस पत्थर पर से तुम्हें 10 बार छलांग लगानी है, अगर तुम इसमें सफल होते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तब तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे ना? मेरा वादा है तुमसे। क्या के कहते ही छतन सिंह को छोड़ दिया और छतन सिंह उस बड़े से पत्थर के ऊपर से छलांग लगाने लगा। जैसे ही 10 छलांग छतन सिंह के पूरे हुए, वो पत्थर एक सुंदर लड़के में बदल गया। उस लड़के को देख के सारे खुशियां मनाने लगे। मेरा बेटा वापस आ गया, धन्यवाद तुम्हारा, बगड़ बोल महाराज की जय, मैं उनका हमेशा आदर करूंगा।
ये हुई ना बात, लल्लन अब वापस आ गया। ये सब क्या है, कोई विस्तार से बताएगा? चोरी और लालच के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर का बन गया था। ये श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति जो ईमानदार और सच्चा हो उस पत्थर से 10 छलांग लगा देता। तो जो तुमने आज कर दिया, पिछले 2 सालों में ना जाने मैं कितने लोगों को लेकर आया था। तुम्हारा काम हो गया तो अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरा परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और तुमने उन पर और तमाशा कर रखा है। छोड़ो हमें अब। ऐसे कैसे जाओगे, तुम्हारी भेंट तो लेते जाओ। क्या ने अपने आदमियों को इशारा किया। वहाँ से उनमें से एक चमकता हुआ हैंड पंप लेकर आ गया। तुमने हमें इतना परेशान किया इस हैंड पंप के लिए? ये कोई मामूली हैंड पंप नहीं है, ये चमत्कारी हैंड पंप है। जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। क्या सच? और ये तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार जो किया है, मेरे बेटे को वापस लाकर। लेकिन इस हैंडपंप का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या होगा? इस हैंडपंप को तुम एक सुरक्षित जगह जाकर लगा देना और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देना। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे उसके अंदर से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। उन डाकू से छतन सिंह का परिवार हैंडपंप लेकर आता है और वहां से चला जाता है। छतन सिंह अपने घर के आंगन में उस हैंडपंप को लगा देता है। स्वाति एक गिलास में पानी लाकर छतन सिंह को देती है। देर किस बात की, आप इस हैंडपंप को चला दीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा ही होगा। छतन सिंह जैसे ही उसके अंदर पानी डालता है उसके अंदर से बिरयानी निकलने लगती है, जादुई हैंडपंप की बिरयानी, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। पिताजी ये देखिए, हैंडपंप से बिरयानी निकल रही है, इसका मतलब उनकी बात सच निकली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हमारी सारी मुसीबत का हल निकल गया। किसी ने सोचा था कि मेरे उल्टा पैदा होने और अच्छे कर्म करने की वजह से ये फल हमें मिलेगा। उसी दिन से छतन सिंह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है जिसका नाम वो हैंडपंप बिरयानी रखता है। देखते ही देखते छतन सिंह की सारी समस्या दूर हो जाती है। हर एक गाँव कस्बों में छतन सिंह के हैंडपंप बिरयानी की वाहवाही होने लगती है। एक दिन छतन सिंह का पुराना मालिक उसे मिलता है। भाई साहब, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी मिलेगी? लोगों से सुना है कि आप मुफ्त में भी दे देते हैं। जैसे ही छतन सिंह पलटता है वो देखता है कि उसके पुराने मालिक की हालत भिखारी जैसी हो चुकी है। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? लोगों को ज्यादा छल से लूटते रहा और मेरी ये दशा हो गई, सारी दुकान और जमीन मिट्टी में मिल गई। जैसे ही छतन सिंह ने हैंडपंप चलाना शुरू किया उसमें से बिरयानी निकलने लगी और उसने अपने पुराने मालिक को परोस कर खिलाया। ऐसे ही छतन सिंह सबकी मदद करने लगा और अपने हैंडपंप बिरयानी से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने लगा और उसने अपनी बेटी स्वाति की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। रिया अपने कॉलेज के पहले दिन अपनी सीट पर अकेले बैठकर अपना टिफिन खा रही थी। कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी नैना अपने 2 दोस्तों के साथ रिया के पास आती है। नैना एक नकचड़ी लड़की थी और क्लास में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नहीं है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। टिफिन में क्या है तेरे? मैगी। नैना उसका टिफिन लेकर खाने लग जाती है। आधा टिफिन खत्म करके वो कहती है, तेरी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना, मैगी इतनी बुरी बनाई है तो बिरयानी कितनी बकवास बनाती होगी। रिया को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने नैना को जवाब दिया, आधा टिफिन चट कर गई और अब कह रही हो कि मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती। किसी और की माँ के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज की आई हुई लड़की ने नैना को उल्टा जवाब दिया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। नैना ने रिया को जोर से धक्का दिया और रिया के शरीर पर कुछ निशान पड़ गए। उस दिन घर पहुंचते ही रिया की माँ ने उसके शरीर पर निशान के बारे में पूछा और रिया ने उनको सब बता दिया। हम कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो लड़की प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ,
ऐसे मनमानी थोड़े ना चलेगी उसकी। दूसरी सुबह रिया और उसकी माँ प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल मानने को राजी ही नहीं थी कि उसकी बेटी नैना ऐसा कर सकती है। उसने उल्टा रिया को झूठा ठहरा दिया। रिया उदास होते हुए क्लास चली गई और उसकी माँ अपनी दुकान। आज फिर कुछ किया है उस लड़की ने तेरे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको मेरे टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पर हंसने लगे। तू रुक बेटा, कल मैं तेरी पूरी क्लास के लिए बेहतरीन बिरयानी बनाकर भेजूंगी। रिया और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा हुआ था, एक जादुई राज। दूसरे दिन रिया के स्कूल पहुँचते ही सबको उसके बैग से बिरयानी की खुशबू आने लगी। उसको कई लोगों ने पूछा कि इतनी सुंदर खुशबू क्या उसके बैग से आ रही है। हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने को मिलेगी, मेरी माँ ने पूरी क्लास के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में सब रिया के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। पूरी क्लास ने रिया की माँ के हाथ की बिरयानी खूब स्वाद लेकर खाई। अब आएगा मजा, बिरयानी तो खा लिया, अब बिरयानी के जादू का समय है। लंच ब्रेक के बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। नैना अचानक बेंच में चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गई। नैना और उसके दोस्त जिन्होंने रिया का मजाक उड़ाया था, सब अपने बेंच पर चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गए। क्या कर रहे हो तुम तीनों? अभी नीचे उतरो, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, अभी बाहर निकलो। पूरी क्लास नैना और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगी। नैना को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन नैना शर्मिंदगी से क्लास में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आया और अब वो उसकी हालत का बदला लेना चाहती थी। इस रिया की तो मैं, इसको अब मजा चखाऊंगी मैं। इसको इस क्लास से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। कुछ दिनों बाद नैना ने रिया को कॉल किया। हेलो रिया, तुम कल कॉलेज आ रही हो? हाँ आऊंगी मैं कॉलेज, क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे माँ की हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है, बहुत स्वादिष्ट थी उस दिन भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी उसके, थोड़ा ज्यादा लेकर आना, मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, कल मैं टिफिन में तुम्हारे और सर के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। रिया और उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए रिया की माँ ने फिर से अपनी जादुई बिरयानी बनाई और रिया के हाथ उसे कॉलेज भेज दिया। आ गए तुम, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, और चलो अभी पापा को देकर आते हैं। पर प्रिंसिपल सर तो मीटिंग में होंगे ना अभी? इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो अपनी मीटिंग खुद कैंसिल करवा देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको, उनको भी तो पता चले तुम्हारी बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ उनको बाहर बुला कर लाओ। रिया प्रिंसिपल के केबिन के अंदर उन्हें बुलाने जाती है। नैना मौका देखकर अपने पापा की बिरयानी में जुलाब की गोलियां डाल देती है। फिर प्रिंसिपल ने नैना को भी अंदर बुलाया। क्या हुआ नैना बेटा, तुम्हें पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ? जी पापा, आप बस ये बिरयानी एक चम्मच चक्कर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी रिया की माँ की हाथ की बिरयानी खाएं। प्रिंसिपल बिरयानी चखता है और बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल बहुत स्वाद लेते हुए बिरयानी खा रहा है। नैना इंतजार कर रही है कि कुछ गड़बड़ होगी, पर उसके पापा तो खुशी खुशी बिरयानी खाए जा रहे हैं। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। वाओ रिया, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना बेटा। पापा आपको कुछ हो नहीं रहा है? मुझे तो बस इस बिरयानी से प्यार हो रहा है, ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। लो तुम भी खाओ, आओ आओ आओ। नैना के मना करने के बावजूद प्रिंसिपल उससे जबरदस्ती दो चम्मच बिरयानी खिला देते हैं। नैना के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो बंदर के जैसे खुजलाने भी लग जाती है। बाप रे, ये मुझे क्यों हो रहा है, ये तो आपको होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो बेटी?
नैना भागते हुए टॉयलेट जाती है और वापस आकर फिर से बंदर के जैसे खुजलाते हुए कुछ कुछ बोलती रहती है। जुलाब की गोली तो आपके लिए डाली थी, मुझ पे क्यों असर कर रही है? आपकी मीटिंग खराब करनी थी, या तो मेरा पेट खराब हो गया। नैना टॉयलेट के अंदर बाहर भागते हुए सारा सच उगल देती है। मैं हमेशा आपके प्रिंसिपल होने का फायदा उठाती थी, आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। नैना ने जादुई बिरयानी की शक्तियों की वजह से सारा सच उगल दिया, बिरयानी से लेकर अपनी चालाकी तक। प्रिंसिपल ये सुनकर आग बबूला हो गया और नैना के ऊपर चिल्लाने लगा। प्रिंसिपल ने रिया से माफी मांगी और उसे क्लास में जाने को कहा। रिया मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चली जाती है और प्रिंसिपल अपनी बेटी की क्लास लेना जारी रखता है। जय और उसकी माँ बिनीता अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव काफी पिछड़ा हुआ था। जय ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जाता है। बिनीता छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती है। जय हर शनिवार अपनी माँ से मिलने आया करता था और रविवार शाम तक शहर वापस चला जाता था। एक रविवार की शाम बिनीता उसे कहती है, बेटा आजकल गांव में बहुत लाइट जाने लगी है, अब हर रात कैंडल खरीदने तो नहीं जा सकती, कोई लालटेन ला दे, सस्ता पड़ेगा मुझे। आपने पहले क्यों नहीं बोला माँ, मैं शहर से आते वक्त ही ला देता। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे शनिवार ला दूंगा। अगली शनिवार जय कुछ काम से घर नहीं आ पाता और विपुल नाम के अपने एक दोस्त के हाथ अपनी माँ के लिए लालटेन भिजवा देता है। बिनीता रात को लालटेन जलाकर अपने सारे काम करती है। देर रात तक लाइट ना आने की वजह से बिनीता लालटेन को धीमी आग में जलाकर कमरे के एक कोने में रखकर सो जाती है और दूसरी सुबह, ओह रात भर ये लालटेन चालू रहा, मुझे तो बंद करना याद ही नहीं रहा। ऐसा कहते हुए बिनीता लालटेन बुझाने उसके पास गई। लालटेन के पास एक मटका रखा हुआ था। बिनीता ने अच्छे से देखा तो वो मिट्टी का मटका अब सोने का बन गया था। ये सोने का मटका, यहाँ तो मैंने मिट्टी का मटका रखा था, ये कैसे हो गया? जय को आने दो, उससे पूछना पड़ेगा। उस रात बिनीता फिर से जलती हुई लालटेन अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। रात भर बिनीता करवटें लेती रही, उसकी नींद भी अच्छे से नहीं हुई। सुबह उठकर जब बिनीता अपने बिस्तर पर बैठी तो वो सारा माजरा समझ गई। हाय दैया, ये मेरा बिस्तर सोने का कैसे बन गया? जरूर इस लालटेन में कोई जादुई शक्तियां हैं। बिनीता ने उस हफ्ते हर रात लालटेन किसी एक चीज के सामने रखी और रात भर उस लालटेन की रोशनी में रखने की वजह से वो चीज सोने की बन जाती थी। बिनीता अब बेसब्री से जय का इंतजार कर रही थी। शनिवार को जय अपने दोस्त विपुल के साथ गांव आया और अपने घर के अंदर जाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बेटा, जो लालटेन तूने शहर से भिजवाई थी वो जादुई लालटेन थी। उसकी रोशनी में कोई भी सामान रात भर रख दो तो वो सोने का बन जाता है। माँ, हम तो लखपति बन गए, सोने की लॉटरी लग गई है हमारी माँ। जय और बिनीता खुशी से गले मिलते हैं। विपुल का ये देखकर मुंह सड़ जाता है, वो वहाँ से दोनों को बधाई देते हुए अपने घर निकल जाता है। ये साला जय मेरे ही हाथों लालटेन भिजवाई और अब लखपति बन गया। मुझे उस जादुई लालटेन के बारे में पता होता तो कभी उसे नहीं देता। विपुल को लगा उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसने अपने इंसाफ के लिए दूसरी सुबह जय के घर से वो लालटेन चुरा ली। विपुल के पास रात तक रुकने का धैर्य और समय दोनों नहीं था, उसने जल्दबाजी में सुबह ही वो लालटेन जला ली
इस लालटेन के सोने पे मेरा हक भी उतना ही है जितना उस जय का है। अब मैं भी लखपति बनूंगा। विपुल अपना सारा सामान लालटेन के इर्द गिर्द रख देता है। देखते ही देखते उसके सामान में एक एक करके आग लगने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सामान? नहीं नहीं नहीं, कोई रोको इस आग को। विपुल घबराते हुए आग के ऊपर पानी डालता है, पर आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, सोने के सपने देखे थे पर यहाँ तो सपने जल के राख हो रहे हैं। विपुल के घर में आग जलते हुए देख जय और बिनीता उसकी मदद करने पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी लालटेन विपुल के जले हुए घर के बीच में पड़ी हुई है। विपुल, ये हमारा लालटेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ले जाओ इस बला को मुझसे दूर। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विपुल अपने जले हुए घर और फूटी किस्मत को देखकर रोता है और जय और बिनीता अपनी जादुई लालटेन लेकर अपने घर को चले गए। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रख कर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्म गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है, हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे दो बिरयानी पार्सल देना। ठीक है, मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका, ये आपका। एक महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या, आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई, शुक्रिया। अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना। पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था।
फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं? वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था, उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो, ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा, उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए, तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया, हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई, वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया, अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले एक हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताजी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है, हाँ हाँ मजा आ गया। भले ही उनको एक हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया, उनके ग्राहक लौट आए, और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी।